मैं आपको एंड्रॉइड की कुछ ऐसे फीचर्स के बारे में बताऊंगा जो सभी एंड्रॉइड मोबाइल में होते हैं, बट हम उनका यूज नहीं करते हैं। अगर यूज करना शुरू कर दें तो जिंदगी और भी आसान हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं। अगर दो रास्ते एक ही मंजिल तक ले जाते हो तो क्यों ना शॉर्टकट यूज किया जाए। हम डेली लाइफ में अपने मोबाइल पर कुछ खास ऑप्शंस, फीचर्स रोज यूज करते हैं और उन्हें एक्सेस करने के लिए हम लॉन्ग प्रोसेस को फॉलो करते हैं, तो क्यों ना सभी के शॉर्टकट्स यूज किए जाए। इसके लिए आपको एंड्रॉइड का विजेट फीचर यूज करना होगा। तो चलिए विजेट्स का यूज करके देख लेते हैं। इसके लिए आप जो है विजेट्स में जाइए और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। जो भी एप्लीकेशन विजेट सपोर्ट करते हैं उन सभी के जो है विजेट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं, जैसे कि अलार्म है, कैलेंडर है, यहाँ पे जो है बुकमार्क वगैरह जो है अपने होम स्क्रीन के ऊपर ऐड कर सकते हैं। वैसे ही कॉन्टेक्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं। आप डायरेक्टली अगर चाहते हैं किसी को कॉल करना तो आप डायरेक्टली जो है कॉल कर सकते हैं। वन टैप में आपके डिस्प्ले के ऊपर सारी चीजें शो करेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं, आप ट्राई करके देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जो है कैलेंडर अपने होम स्क्रीन के ऊपर रखना चाहता हूं, तो यहां पे देखिए कैलेंडर का फॉर्मेट है और उसके बाद यहां पे फॉर एग्जांपल ये है, तो मैंने स्लाइड किया और उसके बाद होम स्क्रीन के ऊपर ला करके आप जहां पे बेस को रखना चाहते हैं रख दीजिए और ये देखिए कैलेंडर आ गया। यहां पे हमारे पास कुछ और भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि ब्लैक या वाइट, दो ऑप्शन है वाइट और उसके बाद बस डन। तो इस तरीके से जो है हमें ऑप्शंस में जाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली अपने होम स्क्रीन के ऊपर जो है वो ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें हैं, आप डायरेक्टली जो है यहाँ पे कॉन्टेक्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज, डायरेक्ट डायल, आप उसके ऊपर टैप कीजिए और आपका जो है वो डायरेक्टली डायल हो जाएगा। तो आप विजिट्स का जो है वो यूज कर सकते हैं, काफी अच्छा ऑप्शन है बेहतर एक्सपीरियंस के लिए, एंड्रॉइड के बेहतर एक्सपीरियंस के लिए।